हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई मेन एग्जामिनेशन के बारे में और नीट एग्जामिनेशन के बारे में। एक्सपर्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन 1 मंथ और डिले हो सकता है। इसके क्या कारण है, क्या शेड्यूल हो सकते हैं, कब आपका एग्जामिनेशन होगा, इसके बारे में बात करेंगे। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेन 2022 और नीट एग्जामिनेशन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2022, दोनों एग्जामिनेशन आपके होते हैं। एक तो होता है इंजीनियरिंग के लिए, दूसरा आपका मेडिकल के लिए होता है। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन देते हैं। एक एग्जामिनेशन में लगभग 10 लाख जो कि जेईई मेन है, और 15 से 16 लाख बच्चे नीट एग्जामिनेशन को देते हैं। और इसके नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा, कब फॉर्म फिलअप होगा। एनटीए इन दोनों एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है, और अभी तक एनटीए ने ऐसा कोई भी अपडेट नहीं दिया है कि एग्जामिनेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और वो सजेस्ट कर रहे हैं सिचुएशन को देखते हुए कि एग्जामिनेशन में 1 मंथ का डिले हो सकता है। दोनों एग्जामिनेशन में आप कौन से डेट से 1 मंथ का डिले होगा उसको देखेंगे। देखो, जेई मेन एग्जामिनेशन नीट एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन शेड्यूल आ जाने चाहिए अभी तक, लेकिन अभी तक नहीं आया। जेई मेन एग्जामिनेशन मल्टीपल राउंड में होते हैं, जैसा कि 4 अटेम्प्ट में होते हैं, और एग्जामिनेशन स्टार्ट होना था फरवरी से, लेकिन एग्जामिनेशन अब मार्च से स्टार्ट होगा। और उम्मीद की जा रही है कि मार्च से अगर स्टार्ट होगा तो मार्च, अप्रैल, मई और जून 2022 तक एग्जामिनेशन कंप्लीट हो सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ डिफिकल्टीज हैं, उसको भी देखेंगे। अगर मार्च में एग्जामिनेशन होना है तो जनवरी के इसी महीने में, मतलब कि अभी तक जो इनका रजिस्ट्रेशन का डेट है और एग्जामिनेशन का डेट है वो आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है। नीट एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी कोई ऑफिशियल शेड्यूल नहीं आया, ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं जो इंटरनेट पे शेयर की जा रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो नीट का एग्जामिनेशन है वो 2 मई को होगा। और रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो फरवरी के 1 फरवरी से स्टार्ट होंगी। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इन सब रिपोर्ट्स को कन्फर्म अभी नहीं माना गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इन सभी रिपोर्ट्स के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया, और ये जो रिपोर्ट्स है इसको कन्फर्म नहीं किया गया। तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये जो स्पेकुलेशन चल रहे हैं और जो आप देख रहे हो नेट पे, उस पर आप ट्रस्ट मत करना। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही आप देखना। तो अभी तक नीट एग्जामिनेशन और जेई मेन एग्जामिनेशन के डेट्स के अनाउंसमेंट नहीं हुई है, फॉर्म अभी नहीं आया है। अब बात करते हैं टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में, जो कि एक्सपर्ट्स ने शेयर किया है। एक्सपर्ट्स ने जो 2 रीज़न बताए हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था। पहला तो ये है कि थर्ड वेव कोविड-19 का उम्मीद की जा रही है कि मार्च के मिड में आपका कोविड का थर्ड वेव आएगा और उसके बाद ख़त्म होते जाएंगे। दूसरा है कि कुछ स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं आपके। अगर 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, उसके डेट्स भी आ चुके हैं। 10 फरवरी से आपका इलेक्शन स्टार्ट होगा और 10 मार्च को एंड हो जाएगा, मतलब पूरा फरवरी और मार्च का 1 वीक 1.5 वीक वो ले लेगा। तो इसके बीच में आपके एग्जामिनेशन नहीं हो सकते हैं। देन उसके बाद एग्जामिनेशन होगा कब, तो एग्जामिनेशन होने के चांसेज हैं 2nd और 3rd वीक ऑफ मार्च में आपके एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन सीबीएसई बोर्ड और कुछ अदर बोर्ड्स ने अपने एग्जामिनेशन के डेट्स भी उसी समय रखते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एग्जामिनेशन के डेट्स हैं वो क्लैश ना हो जाए, जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर एग्जामिनेशन के डेट क्लैश होंगे तो बच्चे एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे जेईई मेन का। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ बोर्ड्स ने तो अपना शेड्यूल भी रिलीज कर दिया, और सीबीएसई बोर्ड भी अपना मार्च और अप्रैल में एग्जामिनेशन लेती है। तो एनटीए बिल्कुल ऐसा ना चाहेगा कि एग्जामिनेशन के डेट क्लैश हो, और आपको पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन देते हैं। अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो जो एग्जामिनेशन है वो आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कंडक्ट हो सकता है, यानी कि 1 महीने का डिले हो सकता है। मार्च के बदले अप्रैल होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे क्लास 12th के, सीबीएसई के और जो सेवरल बोर्ड्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर एग्जामिनेशन होंगे तो इस एग्जामिनेशन की डेट को अगर रखा जाएगा तो एग्जामिनेशन के डेट क्लैश हो जाएंगे। तो अभी के लिए एक्सपर्ट्स या फिर जो नोटिफिकेशन आ रही हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भी आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। एनटीए के लिए बड़ा ही टाइट शेड्यूल होने वाला है, जिससे बच्चों को भी दिक्कत ना हो और जो बोर्ड्स है उसको भी दिक्कत ना हो। तो एनटीए सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा होगा। और नीट 2022 के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये भी ओपिनियन आ रहा है कि नीट एग्जामिनेशन जून में कंडक्ट हो सकता है। अगर देखा जाए पहले के ट्रेंड को, तो पहले जेई मेन एग्जामिनेशन होता है, देन नीट एग्जामिनेशन होता है। जेई मेन अगर डिले होता है तो नीट एग्जामिनेशन भी डिले होगा, और अगर डिले होता है तो
बच्चों के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर पहले कराया जाए तो दोनों एग्जामिनेशन तो डेट क्लैश हो जाएंगे एग्जामिनेशन के साथ। तो कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही है जो कि मुझे आपको बतानी थी। नीट एग्जामिनेशन के बारे में कहा जा रहा है कि एंड ऑफ जून या फिर अर्ली जुलाई में ये कंडक्ट हो सकता है। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये पूरा अपडेट था, कब एग्जामिनेशन के डेट आएंगे उसको तो देखना ही होगा, साथ में आपके प्रिपरेशन चलते रहें वो प्रिपरेशन करते रहो। इसके अलावा आपने अगर वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाया है और आपका एज 15 से लेकर 18 तक के बीच में, तो वैक्सीनेशन करवा लो। 3 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, कोविन पे रजिस्ट्रेशन करवा लेना और जितने भी कैंडिडेट्स हैं एग्जामिनेशन देने से पहले सारे वैक्सीनेशन करवा लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टूडेंट हु आर एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन आर ऑल्सो ऑस्ट टू गेट वैक्सीनेटेड एट द अर्लीएस्ट। एग्जामिनेशन देने से पहले आप मार्च में आपके एग्जामिनेशन होंगे उससे पहले वैक्सीनेशन करवा लो, दोनों डोज ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये पूरा अपडेट था, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।